Hello students, in the last video we have studied about the first order system. In today's video we will start with the second order system analysis. Okay, so first of all hame ye samajhna hoga ki hum second order system ko realize kaise kar sakte hain. Jis tarah se humne first order system ko by using RC circuit realize kiya tha, usi tarike se second order system ko hum realize karte hain by using RLC circuit. Okay, so this is series RLC circuit. Okay, agar main yahan par ek input le lu, that is VI, and C ke across agar main ek output consider karu, that is V naught. Okay, so via this circuit we can realize second order system. Okay, now yahan par hum fir se dekh rahe hain jaisa humne last videos mein dekha hua hai ki yahan par aapke R ke alawa L aur C bhi present hai. L की यूनिट क्या होती है आपकी हेनरी, C की क्या होती है फेरेड, और R की होती है ओम. सबकी यूनिट्स आपकी अलग अलग है, तो हमें फिर से सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, जिससे क्या होगा कि R की यूनिट, L के इंपेडेंस की यूनिट दैट इज एल एस, एंड C के इंपेडेंस की यूनिट दैट इज 1/CS, सबकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी ओम हो जाएगी. ओके, सो अगर मैं इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पर कंसिडर करूं, सो प्लस माइनस वी आई एस, आर का क्या हो जाएगा आपका आर ही हो जाएगा, एल का एल एस, एंड सी का 1/CS. ओके, सो अक्रॉस 1/CS वी विल टेक आउटपुट विच इज वी जीरो एस. ओके, नाउ अब हमें पता है कि आर एल एस एंड 1/CS सबकी यूनिट क्या है आपकी ओम है. अब आप नॉर्मली वोल्टेज डिविजन रूल अप्लाई कर सकते हैं. आपको पता है कि आपको V नॉट S कैलकुलेट करना है, और जो V I S है वो R L S एंड 1/CS के अक्रॉस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो सिंपली जो वोल्टेज डिविजन रूल होगा आपका वो हो जाएगा V नॉट S इज इक्वल टू V I S, जिसके अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड बाय टोटल इंपेडेंस. सो R प्लस एल एस प्लस 1/C. नाउ V जीरो S अपॉन V I S, इट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा 1/CS डिवाइडेड बाय R प्लस एल एस प्लस 1/CS. ओके, अब अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं, सो 1/CS और यहां पर क्या हो जाएगा आर सी एस प्लस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब अगर मैं यहां पर डिवाइड बाय सी एस लिखूं, तो ये सी एस और ये सी एस आपका क्या हो जाएगा कैंसल. ओके, तो अगर आप इक्वेशन को अपने इस तरह से अरेंज करें कि डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज एस स्क्वायर, उसका कॉफिशियंट 1 हो जाए, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/LC डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस, आप देखिए आगे यहां पर जो एस का कॉफिशियंट है वो क्या हो जाएगा आर सी अपॉन एल सी. ओके, सो ये आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका R बाई एल. ओके, सो R बाई एल एस प्लस नेक्स्ट आपका क्या है 1 है, तो 1 का क्या बन जाएगा आपका 1/LC. ओके, सो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. ओके, तो यही ट्रांसफर फंक्शन हमें यूज करना है, बट ये ट्रांसफर फंक्शन जो हमने कैलकुलेट किया है वो R, L एंड C के टर्म्स में कैलकुलेट किया है. अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में लिखूं, तो इस तरह से कुछ लिखा जाता है TS इज इक्वल टू ओमेगा एन का स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर. ओके, सो यहां पर हमें यह समझना होगा कि आपका जीटा क्या है, ओमेगा एन क्या है. तो ओमेगा एन जो है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ओके, सो ओमेगा एन आपको दिमाग में रखना है, इट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ओके, नाउ व्हाट इज जीटा, जीटा जो होता है आपका इट इज डैम्पिंग रेशियो. ओके, जीटा है आपका डैम्पिंग रेशियो, इन वर्ड से आपको फैमिलियर होना है. ओके, अब हम बात करें जीटा है क्या, जीटा का रोल क्या है. ओके, जीटा एक्चुअली करता क्या है, जीटा के कारण जो आपका ऑक्सीलेशन है या प्रोपोगेशन है वो
रिड्यूस होता है, और आप कह सकते हैं जीटा जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है ऑक्सीडेशन आपका रिड्यूस टू जीरो हो जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं डैम्पिंग इज द प्रोसेस विच किल्स द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और प्रोपोगेशन दोनों सेम चीज है। आप ऑक्सीडेशन और प्रोपोगेशन को समझने के लिए एक सिंपल साइन वेव अज्यूम कर सकते हैं। साइन वेव जो लगातार प्रोपोगेट होते रहती है, आगे बढ़ते चले जाती है। ओके, सो जीटा क्या है, जो उस ऑक्सीडेशन या उस प्रोपोगेशन को किल करता है, ओके, रिड्यूस करता है। ओके, सो यहां पर अगर मैं सिंपल आरएलसी सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करूं अपने कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो ओमेगा एन की वैल्यू है वो है आपकी 1/√LC। ओके, एंड 2 जीटा ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो है आपकी R/L। इससे जो आपका जीटा कैलकुलेट हो रहा है वो कितना कैलकुलेट हो रहा है, आप कैलकुलेट कर लीजिए यहां से, ये 2 आपका इधर आ जाएगा और आप ओमेगा एन भी इधर आ जाएगा, ओमेगा एन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो जीटा जो आपका कैलकुलेट हो रहा है वो हो रहा है R/√C/L। ओके, सो ये आपकी ओमेगा एन एंड जीटा की वैल्यूज है जब आप अपने कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन को नेटवर्क सर्किट के ट्रांसफर फंक्शन से कंपेयर करते हैं। ओके, सो आपको जो ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशंस, इनकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपना ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो ये हमारा एक एडर हो जाएगा, इनपुट क्या होता है आपका आरएस। ओके, फॉरवर्ड पाथ जो गेन है आपका ये कितना हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। नाउ आउटपुट विल बी सी एस, अगेन यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। ओके, हम स्टैंडर्ड ही लेके चलेंगे तो नेगेटिव फीडबैक हम यहां पर दे देते हैं। ओके, अब आप देखिए यहां पर अगर आप इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते तो हमें पता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर नेगेटिव फीडबैक, G/1+GH, क्योंकि यहां पर यूनिटी फीडबैक है तो H क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा G/1+G। ओके, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस डिवाइडेड बाय 1/ωn² / s² + 2 जीटा ωn s। ओके, अब अगर यहां पर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा s² + 2 जीटा ωn s + ωn² और s² + 2 जीटा ωn s + ns² + 2 जीटा ωn s, बोथ साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो आपको सेम स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, तो इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू बेसिकली हमने ब्लॉक डायग्राम जनरेट किया विथ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम होता है फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, नाउ अब अगर मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को फिर से देखूं यहां पर, तो ये जो आपका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, हम कोई भी ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करें, हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको पोल्स देता है, ठीक है, और किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो उसके पोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो सिस्टम क्या होता है आपका स्टेबल। ये बेसिक लगभग सबको पता होता है, ठीक है ना, कि अगर आपके पोल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमें पोल्स देता है, और उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेने के बाद हम बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ओके, सो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, सो कंट्रोल सिस्टम में ये वर्ड आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो अभी से आप फैमिलियर हो जाइए कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखूं यहां पर, तो ये हो जाता है आपका s² + 2 जीटा ωn s + ωn² ओके, और जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से आपको पोल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो आप इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को जब आप इक्वल टू जीरो करते हैं तभी तो उसके रूट्स कैलकुलेट होते हैं। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द सिलेबस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन देंगे, दैट इज QS। ओके,
मैं स्टैंडर्ड बुक का नोटेशन ले रहा हूं यहां पर, QS से डिनोट करेंगे हम किसी भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को, चाहे वो फिर थर्ड ऑर्डर का हो, चाहे फोर्थ ऑर्डर का हो, चाहे सिक्स्थ ऑर्डर का हो. ओके, यहां पर हमने स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कंसिडर किया है. ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का एनालिसिस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर जीटा इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो हम अब यहां पर यह देखने वाले हैं कि जब डैम्पिंग अब्सेंट हो, जब डैम्पिंग का कोई इफेक्ट ना हो, तो आपके जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स हैं वो क्या क्या होंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे यहां पर, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब अगर मैं जीटा को जीरो के इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर रूट्स कैलकुलेट करूं तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर. हम जानते हैं स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. ओके, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन. ओके, जब भी आपका स्क्वायर नेगेटिव है दैट मींस वो टर्म क्या है आपका, इमेजिनरी है. ओके, सो यहां पर आपके दो इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट हो गए, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन. इस सिचुएशन को, जीटा इक्वल टू जीरो को हम बोलते हैं अनडैम्पिंग या अनडैम्प्ड सिस्टम. ओके, तो ये है आपका अनडैम्प्ड सिस्टम या अनडैम्पिंग. ओके, मतलब आप डैम्पिंग नहीं कर रहे हैं यहां पर. ओके, सो जो आपके रूट्स की जो लोकेशन होगी वो क्या क्या हो जाएगी, अगर आप यहां पर बनाए सिग्मा एंड जे ओमेगा, तो रूट्स की लोकेशन हो जाएगी एक यहां पर और एक यहां पर. देख लीजिए, एक आपका प्लस जे ओमेगा एन है और एक आपका माइनस जे ओमेगा एन है. ठीक है ना, तो ओमेगा एन एन माइनस ओमेगा एन, क्योंकि आप इमेजिनरी एक्सिस में ही शो कर रहे हैं तो जे की वैल्यू शो करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो जे ओमेगा एन एन माइनस जे ओमेगा एन है. ठीक है ना, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एस के लिए जो आप लोग ग्राफ बनाते हैं उस पे जो रियल होता है वो क्या होता है, सिग्मा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ओमेगा. ठीक है, तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा. ओके, नाउ सेकेंड अगर मैं कंसीडर करूं जीटा की वैल्यू जीरो टू वन के बीच में, ठीक है ना, आप यहां पर ध्यान रखिएगा जीटा जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो से ग्रेटर है. सेम जीटा जो है वो वन के इक्वल नहीं है, वन से लेस है. तो जीरो और वन की बीच की वैल्यूज ऑफ जीटा के लिए मैं यहां पर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का एनालिसिस करने वाला हूं. ओके, सो क्या हो जाएगा आपका, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ओके, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए, आप देखिए कि यहां पर जो केस है आपका, जीटा की एक फिक्स वैल्यू नहीं है, जीटा की वैल्यू जीरो से वन के बीच इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है, जबकि जो लास्ट केस था उसमें जीटा की एक फिक्स वैल्यू थी जिसे आपने इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपका इक्वेशन जो था वो बहुत इजी हो गया था. बट यहां पर जीटा की फिक्स वैल्यू है नहीं तो आप कोई वैल्यू पुट कर नहीं सकते, तो आपको अब इस इक्वेशन को सॉल्व ही करना पड़ेगा. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आप देखिए यहां पर टू रूट्स होंगे एस के, और क्या होता है माइनस बी, मतलब माइनस टू जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स फोर जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो फोर इंटू वन इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, सो फोर ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन टू ए मीन्स टू इंटू वन. ओके, सो अब अगर मैं यहां पर टू से डिवाइड कर दूं तो आपका इक्वेशन कैसा आ जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, यहां पर देखिए आप अंदर क्या हो जाएगा, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर. ओके, अगेन माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, देखिए यहां से ओमेगा एन का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन. ओके, अब आप बोलेंगे आपके रूट्स यहां पर रियल आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है आपकी. आपको यहां पर क्या देखना है, आपको यहां पर यही देखना है कि जो जीटा की वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच में है. ओके, तो जो जीटा का स्क्वायर होगा वो भी जीरो से वन के बीच में ही होगा. ठीक है, तो जो जीटा का स्क्वायर है वो वन से क्या होगा, लेस होगा. ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर आपका कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा. ओके,
तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आ सकता है. ओके सो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन. अगर आप यहां पर माइनस वन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस जीटा का स्क्वायर. ओके सो ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन. और हमें पता है अंडर रूट माइनस वन क्या होता है आपका, जे होता है, तो आप जे बाहर कर देंगे और वन माइनस जीटा का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर. अब आप अगर कंपेयर करें तो जीटा स्क्वायर जो है वो लेस देन वन होगा तो अंडर रूट के अंदर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. बिल्कुल करेक्ट है यहां पर. ओके सो जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेके जे के फॉर्म में लिखिए, अंडर रूट माइनस वन होता है आपका जे. ओके नाउ अब अगर मैं इन रूट्स को शो करूं इन सिग्मा एंड जे ओमेगा एक्सिस तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जे ओमेगा. आप देख सकते हैं आपके दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स हैं. ओके सो रियल पार्ट क्या है आपका, माइनस जीटा ओमेगा एन तो नेगेटिव एक्सिस में आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर है, मीन्स यहां आ जाएगा, ये होगा आपका एक, और एक पोजिशन आपकी ये हो जाएगी क्योंकि माइनस में है तो आपके रूट क्या हो जाएंगे, इस लोकेशन पे एन इस लोकेशन पे. ओके सो ये आपके हैं कॉम्प्लेक्स रूट. ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपका ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर है दैट इज जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसे हम एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ओके लास्ट केस पे जो हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्योंकि वहां पर आपका जीटा का इफेक्ट जीरो था. ओके हमने डिस्कस किया है जीटा क्या है, जो ऑक्सीलेशन को किल करता है, तो अगर जीटा जीरो है तो ऑक्सीलेशन किल नहीं होगा, ऑक्सीलेशन एज इट इज रहेगा तो वो नेचुरली ऑक्सीलेट होगा, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन था. यहां पर क्या है, जीटा प्रेजेंट है तो जीटा जब प्रेजेंट होगा तो आप बोलेंगे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन. ओके एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो भी आप एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने केस नंबर वन में कैलकुलेट किया था एस की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी, ओमेगा एन थी. ठीक है इसकी मीनिंग क्या है, एस के इक्वेशन में जो भी जे का कॉफिशियंट होगा वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर जो जे का कॉफिशियंट है वो ओमेगा एन है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर आप सेकेंड केस को देखिए, एस की वैल्यू में जो जे का कॉफिशियंट है वो है आपका ओमेगा एन अंडर रूट वन माइनस जीटा का स्क्वायर दैट इज ओमेगा डी, तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इसमें जीटा का इफेक्ट है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है. ओके नाउ केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री में एक और पॉइंट है, केस नंबर थ्री के पहले इस तरह के केस को जहां जो जीटा आपका जीरो से वन के बीच में है उसे हम अंडर डैम्ड या अंडर डैम्ड सिस्टम कहते हैं. ओके अंडर डैम्पिंग और अंडर डैम्ड सिस्टम. ओके नाउ वी कैन स्टार्ट विथ केस नंबर थ्री. केस नंबर थ्री में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग. ओके या क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम. ओके मैंने पहले ही आपको नाम दे दिया है इस बार, ये होता है जीटा इज इक्वल टू वन. ओके सो क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम जीटा इज इक्वल टू वन. तो यहां पर अगर मैं देखूं एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का इक्वल टू जीरो, सो अब अगर मैं यहां पर जीटा की वैल्यू वन पुट करूं सो एस स्क्वायर प्लस टू ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ये आप देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, तो ये क्या आ जाएंगे आपके रूट्स, ये आ जाएंगे माइनस ओमेगा एन एन माइनस ओमेगा एन. तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके दोनों रूट्स इक्वल आए हैं. ओके एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप भले ही ओमेगा एन देख रहे हैं, ओमेगा एन देख के आपको लग रहा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट नो, मैंने क्या कहा है आपको, एस में जो भी जे का कॉफिशियंट होगा वही फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर जे का टर्म है ही नहीं, दोनों के दोनों क्या है आपके रियल रूट्स है. इसकी मीनिंग क्या है, यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है आपकी, प्रेजेंट नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डैम्पिंग हो रही है. ओके तो क्रिटिकल डैम्पिंग की मीनिंग ये है जहां पर जो आपका ऑक्सीलेशन है वो जस्ट किल हुआ है अभी क्रिटिकली,
जस्ट किल हो गया आपका ऑक्सीलेशन और आपको दोनों रियल रूट्स मिल गए हैं यहां पर. ओके सो जो आपकी रूट्स की लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन, दोनों के दोनों आपके रियल रूट्स होंगे यहां पर. ओके क्लियर है पॉइंट. नाउ जो लास्ट केस होगा हमारा दैट इज ओवर डैम्ड सिस्टम या ओवर डैम्पिंग. ओके तो ये क्या होता है आपका जीटा ग्रेटर देन वन. ओके अभी तक हमने जीटा इक्वल टू जीरो देख लिया है, जीटा की वैल्यू जीरो से वन के बीच देख ली है, जीटा की वैल्यू वन भी देख ली है. नाउ जीटा ग्रेटर देन वन ये क्या होगा आपका, यहां पर आप फिर से समझिएगा, यहां पर हमें जीटा की कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं है, जीटा की वैल्यू वन से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो हमें यहां पर इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके तो अगर मैं फिर से इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो हमने लास्ट केस पे इक्वेशन को सॉल्व किया था जो आपका केस था अंडर डैम्प सिस्टम, हमारा इक्वेशन आया था माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन. ओके सो ये जो आपका अंडर डैम्प सिस्टम था आपका, उसके इक्वेशन को मैं अगर फिर से यहां पर लिख लूं तो क्या है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन. ओके सो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका जीटा है वो आपका ग्रेटर देन वन है ओवर डैम सिस्टम में, तो ये जो जीटा स्क्वायर होगा वो भी आपका ग्रेटर देन वन होगा. ओके इसकी मीनिंग क्या है कि अंडर रूट के अंदर आपका पॉजिटिव टर्म ही जनरेट होगा, इसकी मीनिंग ये है कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडर डैम सिस्टम में अंडर रूट के अंदर आपका नेगेटिव टर्म जनरेट हो रहा था. ओके बट यहां पर आपका अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव टर्म जनरेट हो रहा है. ओके सो आपका यही इक्वेशन फाइनल होगा, तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो आपके रूट्स हैं वो क्या है आपके रियल रूट्स हैं. ओके लॉजिक क्लियर है यहां पर. सो अगर मैं रूट्स की लोकेशन यहां पर शो करूं तो एक रूट हो जाएगा आपका यहां पर और एक रूट हो जाएगा यहां पर. अगर हम देखें कौन सा रूट कहां पर होगा तो हमें पता है माइनस माइनस जो है वो और बड़ा माइनस हो जाएगा, तो वो आपका और लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, और जो माइनस प्लस है वो कंपेरेटिवली आपका नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस होगा. ओके सो कितना हो जाएगा आपका रूट, आपका रूट हो जाएगा यहां पर माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन, और जो ये रूट है फर्स्ट वाला वो हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन. ओके सो ये आपके दो रूट्स निकल कर आ जाएंगे फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम. ओके सो यहां पर हमारी ऑल फोर डैम्पिंग जो है उसका जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है. ओके यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अगर रिवाइज करूं तो अनडैम्प सिस्टम के लिए आपने क्या देखा कि दोनों के दोनों रूट्स आपके जो थे वो इमेजिनरी एक्सिस पर थे. ओके अंडर डैम के लिए आपने क्या देखा, रूट्स आपके जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे. क्रिटिकल डैम के लिए आपने देखा दोनों के दोनों रूट्स आपके रियल एक्सिस पर थे एंड दोनों के दोनों सेम पोजीशन पर थे, मींस दोनों के दोनों रूट्स आपके इक्वल थे. और लास्ट आपने ओवर डैम्पिंग के लिए क्या देखा, दोनों के दोनों रूट्स आपके रियल थे बट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर थे. एक और पॉइंट है यहां पर, जो आपका ओवर डैम्पिंग सिस्टम है उसमें आप ध्यान से देखिए यहां पर भी कोई जे का टर्म नहीं है, दैट मींस यहां पर भी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका डैम्पिंग का ही इफेक्ट है. ओके लॉजिक क्लियर है आपको यहां तक. नाउ अब अगर मैं इन सारे रूट्स को एक ग्राफ में शो करूं, ओके सो किस तरह के होंगे ये ग्राफ आप देखिए ध्यान से. सपोज करिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर. ओके दिस इज माय सिग्मा एंड दिस इज माय जे ओमेगा. ओके अगर आप इस ग्राफ को यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो अनडैम्प सिस्टम के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन, बट कहां पर होते हैं आपके इमेजिनरी एक्सिस में. रूट्स की वैल्यू क्या आई थी आपकी, आप पिछली स्लाइड्स को फॉलो कर सकते हैं, जे ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन. ओके नाउ जो आपके अंडर डैम सिस्टम के रूट्स थे उनकी वैल्यूज क्या थी, रियल पार्ट भी प्रेजेंट था और इमेजिनरी पार्ट भी प्रेजेंट था. रियल पार्ट क्या था आपका, आप चेक कर लीजिए, रियल पार्ट था आपका माइनस जीटा ओमेगा एन. ओके एंड जो इमेजिनरी पार्ट था वो था आपका ओमेगा डी. ओके नाउ यहां पर एक डाउट आपके सामने क्रिएट हो सकता है कि ओमेगा एन बड़ा होगा कि ओमेगा डी बड़ा होगा,
क्योंकि दोनों ही इमेजिनरी एक्सिस के पॉइंट्स हैं आपके, ओके। सो यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, अगर आप देखें यहां पर अंडर डैम सिस्टम के रूट्स को, तो ये जो आपका ओमेगा डी का इक्वेशन है जो कि इमेजिनरी पार्ट है, उसको अगर आप समझिए तो जीटा जो है आपका वो लेस देन क्या है, वन है, ओके। तो जीटा का स्क्वायर भी आपका लेस देन वन होगा, बट होगा क्या, जब आप वन माइनस समथिंग करेंगे, वन माइनस जीटा का स्क्वायर करेंगे, ओके, तो ये वैल्यू आपकी लेस देन वन हो जाएगी, और इसका अंडर रूट भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन वन हो जाएगा, ओके। तो जब ओमेगा एन लेस देन वन से मल्टीप्लाई होगा, ओके, तो ओमेगा डी जो है वो ओमेगा एन से क्या हो जाएगी आपकी लेस हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। सो यहां पर इस ग्राफ में जो ओमेगा डी है वो पॉइंट आपका ओमेगा एन से नीचे आएगा, ओके। सो सिमेट्रिकल है तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा डी, ओके। सो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स पोल की लोकेशन, अंडर डैम सिस्टम के पोल्स की लोकेशन। नाउ फिर से बात करते हैं हम क्रिटिकल डैम की। क्रिटिकल डैम में हमें पता है दोनों रूट्स क्या थे, माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन, दोनों रूट्स आपके रियल थे, ओके। सो यहां पर जब आपके दोनों रूट्स रियल हैं तो माइनस ओमेगा एन को आपको रियल एक्सिस पे शो करना होगा, लेकिन रियल एक्सिस पे एक और पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन, तो आपको यह समझना होगा कि माइनस ओमेगा एन की लोकेशन माइनस जीटा ओमेगा एन की लोकेशन के रेस्पेक्ट में कहां पर होगी, ओके। सो आप ध्यान से समझिएगा कि जो माइनस जीटा ओमेगा एन का जो टर्म है वो अंडर डैम्पिंग के लिए है, और अंडर डैम्पिंग में जीटा क्या था आपका लेस देन वन था, ओके। जब जीटा आपका लेस देन वन था तो ये वैल्यू जो होगी, सपोज करिए जीटा आपका 0.8 था, तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस 0.8 ओमेगा एन, और जो ओमेगा एन है माइनस ओमेगा एन है उसपे कॉफिशियंट क्या है आपका वन है, ओके। सो ऑब्वियस सी बात है जो माइनस ओमेगा एन है उसकी लोकेशन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ओके, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि यहां पर कॉफिशियंट क्या है वन है, तो और नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर कॉफिशियंट वन से लेस है तो ये लेस नेगेटिव होगा, ओके। तो ये आपकी शो हो गई पोजिशन ऑफ क्रिटिकल डैम सिस्टम के रूट्स की, ओके। नाउ लास्ट लोकेशन आपको शो करनी है अब ओवर डैम्ड सिस्टम, ओके। ओवर डैम्ड के लिए आपको पता है एक रूट तो आपका इमेजिनरी एक्सिस के बिल्कुल पास में था, ओके, उसकी वैल्यू क्या थी आप देख सकते हैं, उसकी वैल्यू थी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, तो उसे आप शो कर लीजिए माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, ओके। और जो आपके एक रूट की लोकेशन थी वो बिल्कुल लास्ट में थी आपके, ओके, तो वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस जीटा ओमेगा एन, ओके, माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन, ओके। आप यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो बाकी रियल एक्सिस की जो पोजीशंस हैं उनके रेस्पेक्ट में ये रूट यहीं पर क्यों आए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जीटा की वैल्यू पुट कर देनी है ग्रेटर देन वन। सपोज करिए जब आप इस पोजीशन पे जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सपोज करिए आप जीटा की वैल्यू टू पुट करते हैं तो टू का स्क्वायर फोर तो अंडर रूट थ्री, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू ओमेगा एन, सो माइनस टू ओमेगा एन प्लस अंडर रूट थ्री ओमेगा एन, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए और जज कर लीजिए कि इसकी वैल्यू जो है वो सबसे नेगेटिव में सबसे लेस होगी, ठीक है ना, मतलब सबसे पास होगी आपकी इमेजिनरी एक्सिस के, ओके। और सेम यहां पर आप कंपेयर कर लीजिए, दोनों ही आपके नेगेटिव नेगेटिव हैं, फिर से आप जीटा की वैल्यू टू लेके कंपेयर कर लीजिए तो आपको माइनस ओमेगा एन एंड माइनस जीटा ओमेगा एन के रेस्पेक्ट में आपको इस रूट की पोजीशन समझ में आ जाएगी अपने आप से, ओके। सो बेसिकली मैंने इस ग्राफ में एक एक वैल्यू आपको कंपेयर क्यों करवाई, मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप गेट और आईएएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़े या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो अपने आप से ना वैल्यूज का एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करें कि किसकी पोजीशन कहां हो सकती है, तो आपसे खुद ब खुद चीजें बनने लगेंगी, ओके। आपको कोई चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी लोकेशन कहां पर है, आप सिंपली जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए। आपको पता है ओवर डैम के लिए आपको जीटा ग्रेटर देन वन होगा, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जीटा की वैल्यू आप टू ले लीजिए। आपको पता है अंडर डैम के लिए जीटा की वैल्यू क्या होगी लेस देन वन होगी, तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जीटा की वैल्यू आप 0.5 ले लीजिए। इस तरह से हमें डील करना आना चाहिए, ओके। नाउ ये अब जो हमारा ग्राफ क्रिएट हुआ है यहां पर, जहां मैंने चारों के चारों सिस्टम को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, वो क्या है आप ध्यान से देखिए। अगर मैं जीटा की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करूं,
ओके और अगर मैं 1 तक जाऊं तो आपका कुछ ऐसी लोकेशन बनकर रेडी हो जाएगी, आप देख सकते हैं ओके 0 से स्टार्ट हुआ और आपका 1 तक गया। जिस तरह से पॉजिटिव साइड क्रिएट होगा सेम आपका नेगेटिव साइड भी क्या हो जाएगा यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ओके सो यहां पर आप नेगेटिव साइड भी क्रिएट कर दीजिए, ये आपका नेगेटिव साइड क्रिएट हो गया 0 to 1 0 to 1। आपको पता है 1 क्या है, ये लोकेशन है ना -ωn -ωn क्रिटिकल डैम की लोकेशन है आपकी जीटा इक्वल टू 1 पर। ओके नाउ यहां पर हमें एक और पॉइंट समझने की कोशिश करनी है कि ये जो आप देखिए जो आपको कॉम्प्लेक्स रूट दिखाई दे रहा है ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों सेम है, आप किसी भी रूट को चूज कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स रूट को ओरिजिन से एक लाइन के थ्रू मिला दूं तो ये आपकी लाइन हो गई। ओके ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट ओरिजिन से मिल गया। ओके अब अगर मैं रियल एक्सिस से एक एंगल बनाऊं फाई, ओके क्लियर है पॉइंट, तो ये फाई की वैल्यू क्या होगी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमें फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें एक ट्रायंगल कंप्लीट करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ऑब्वियस बात है मैं ये लाइन को भी मिला देता हूं यहां पर तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। ओके सो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉस फाई होता है वो क्या होता है बेस ओके अपॉन हाइपोपोटेनियस। ओके सो बेस की वैल्यू क्या है 0 -ω(n), ये है ना आपका बेस, देखिए दिस इज योर बेस, तो डिफरेंस क्या है आपका डिफरेंस है जीटा ओमेगा एन। ओके सो जीटा ओमेगा एन। ओके नाउ हाइपोपोटेनियस क्या होता है आपका, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है आपको लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हाइपोपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके सो हमें बेस पता है यहां पर बेस क्या है जीटा ओमेगा एन। ओके सो हाइपोपोटेनियस हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट बेस का स्क्वायर दैट इज जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप देखिए परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है यहां से आप देख सकते हैं ओमेगा डी। ओके दिख रहा है आपको इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू क्या है आपकी ओमेगा डी, तो क्या हो जाएगा आपका ओमेगा डी का स्क्वायर। ओके अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं कॉस फाई की वैल्यू को तो जो कॉस फाई की वैल्यू निकल कर आएगी जीटा ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ओमेगा डी हमने अभी अभी देखा है, ओमेगा डी होता है आपका ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा का स्क्वायर, तो ओमेगा डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर। तो ये जो टर्म है आपके फर्स्ट एंड थर्ड वो कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा अंडर रूट ओमेगा एन का स्क्वायर, अंडर रूट ओमेगा एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा एन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जीटा। ओके तो कॉस फाई की वैल्यू आपकी आ गई जीटा। ओके और आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो फाई की वैल्यू है दैट इज कॉस इनवर्स जीटा। ओके सो यहां पर फाई की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जीटा है जो डैम्पिंग रेशियो है उसे आप कॉस फाई के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, अगर आप सारे के सारे बाकी रूट्स को यहां पर ध्यान ना दे सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम्पिंग के रूट को ध्यान दे ऊपर वाले रूट को, तो आप देख सकते हैं जब आप अंडर डैम्पिंग सिस्टम के रूट को ओरिजिन से मिलाते हैं एक लाइन के थ्रू तो वो लाइन जो रियल एक्सिस से एंगल बनाती है उसे हमने फाई बोला है यहां पर, और फाई की वैल्यू आप बेस अपॉन हाइपोपोटेनियस करके कॉस फाई कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और कॉस फाई की जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद यहां पर आई है वो आई है जीटा, ठीक है, और जीटा हमारे लिए कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। अभी हम जितने भी पैरामीटर पढ़ेंगे आगे जाकर आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे सारे के सारे पैरामीटर्स आपके जीटा पर डिपेंड करते हैं, अगर हमें जीटा पता है तो हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो जीटा निकालने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिकल टेक्निक है ये, जिसे हमें ध्यान रखना है। ओके लॉजिक क्लियर है सबको, तो यहां पर आपका ये होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के ओवरऑल डैम्पिंग का एनालिसिस। ओके अब हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनपुट का एनालिसिस करना है, जिस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किया था इंपल्स इनपुट स्टेप इनपुट। ओके
सो इस तरह से हमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी करना है. ओके ओके, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसे जरूर पोस्ट कर सकते हैं. ओके, गुड बाय.